गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अभी कुछ देर बाद हम लोग आगरा पहुंच जाएंगे। कल रात 3 बजे जयपुर स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़े थे, इसी की वजह से नींद अच्छे से नहीं हुआ। और आप देखिए बाहर का ब्यूटीफुल सनराइज का नज़ारा। एक अनजान स्टेशन पे कुछ बंदर मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे मेरा बेटू नीनी कर रहा है। बस कुछ ही मिनट में आगरा स्टेशन आने वाला है। कैमरा बैक, कैमरा बैक। छह खाना बैक टोटल। 1, 2, 3। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा में। बहुत क्राउडेड है, इसलिए मैं अभी बात नहीं कर सकता। सो मिलते हैं होटल। आगरा स्टेशन के बाहर आते ही हम लोग को दिख गए ऑटो स्टैंड, और जहाँ से हम लोगों ने एक ऑटो हायर करके अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आप जब आएंगे थोड़ा सा ऑटो के साथ नेगोशिएट कर लीजिएगा रेट लेके। छोटा सा प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग होटल का रिव्यू नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेके ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। अब भी चलिए हमारे साथ। ताजमहल में आओ हस्बैंड के साथ, वो आज वो ड्रीम मेरा पूरा होने वाला है। चलो हम लोग के साथ। रुकिए। तो अभी हम लोग ताज के अंदर जाएंगे ये कार में। चलिए चलते। बैटरी कार में चढ़ गए हैं, जा रहे हैं ताजमहल की ओर। फाइनली आवर ड्रीम इज बिकमिंग ट्रू। बैटरी कार हम लोगों को ताजमहल के गेट के पास छोड़ दिए थे, वहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं एंट्रेंस टिकट लेने के लिए है, जो पास ही में है। और आप अगर अकेले आएंगे तो नज़दीकी सब कुछ दिख जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है। ये है ताजमहल का एंट्री टिकट काउंटर। तो गाइस, अभी जस्ट हम लोग खड़े हैं लाइन पे टिकट लेने के लिए। आप चाहे तो QR कोड स्कैन कर भी आप ले सकते हो, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है QR कोड स्कैनर और ये इनका रेड चार्ट। अभी ताजमहल में जाने के लिए जो क्यू है वो बहुत ही लॉन्ग है, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो अभी सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग एंट्री ले लिए ताजमहल के वेस्ट गेट के पास से। जलटा धरो, हाँ जल दीजिए। इस बार को लेके मेरा ये 4th time टूर है आगरा का, स्पेशली ताजमहल। जब मैं जयपुर में पढ़ता था उस टाइम आए थे यहाँ पे घूमने के लिए।
पहले एवरी फ्राइडे ये ओपन रहता था। ये सारे जो आप रूम देख रहे हो, ये सारे रूम जो ताजमहल को बनाने के लिए टाइम पे रहते थे वही सब लोग हैं। ये शाही गेट है, इससे हम लोग चलते हैं। जितने भी जो वी आई पी जाते हैं ना, ओल्ड मतलब जो लेटेस्ट जो एक्टर्स सेलिब्रिटीज वहाँ से उस गेट से एक्टर वहाँ से राहुल आई थी, आई थी। ये जो है ना गेट है अकबर टॉम, देखा आपने आगरा में अकबर टॉम? नहीं आज जस्ट फर्स्ट टाइम, पहली टाइम जाओगे ना आगरा में फाइव बिल्डिंग हैं, तीन मेन है, लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर टॉम भी है, उसको अकबर का मकबरा बोलते हैं, मथुरा जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो एक ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, अभी आप कंप्लीट कर सकते हो आगरा के बाद, अगर टाइम मिले तो फतेहपुर सीकरी चले जाना, लेकिन आपके पास टाइम ओवर हो जाएगा, कोई आधा दिन आपको फतेहपुर सीकरी में लगता है, समझ लिया आपने। ये ऑफिशियल फोटोग्राफर जाते में निकालते हैं, लौटते में आते हैं। नहीं सब सेंटर में हमें पाँच छः फोटो करना है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा है क्योंकि ना क्राउड लेस आएगा। नहीं नहीं ठीक है, उनके दो साइज होते हैं 60 एंड 50। या What is so cool? Even take from this main gate. Yes, start over, sir. You're not forcing, you just see the angle. No, no, I understand, understand. It's fine, no problem. Steer. Steer, steer. Madam, steer. I'm taking a photo, sir. If you want to leave both, tell me. This is Taj Mahal. It's inside Taj Mahal. Now you create an illusion. एक अट्रैक्शन ऑफ बिल्डिंग आएगा, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाओगे बिल्डिंग अट्रैक्ट होते जाएगी, ऐसा लगेगा बिल्डिंग दूर होता है, ये आपको फील करना है अपने अंदर द स्पीड। हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ डाउन। विच क्लास यू आर स्टडी? क्लास 4। ओके, विच सब्जेक्ट हिस्ट्री है? हर सब्जेक्ट यू हैव? Just wow, beautiful. I'm sure, जब आप फर्स्ट टाइम इस गेट से सामने से ताजमहल को देखेंगे तब आप सिर्फ देखते ही रहेंगे, आप मुँह से कुछ भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इतना खूबसूरत लगता है जैसे ताजमहल। और मेरा श्रीमती जी यहाँ पे फोटो सेशन कर रहा है, चलिए चलते हैं अंदर में। ग्रुप का व्यू आ रहा है अभी, जस्ट स्टार्ट हुआ है और ताजमहल में बहुत सारा टूरिस्ट है। रेड वाली बेंच जा रही है, जो जो मैडम बैठी है, मूनलाइट की विजिटिंग होती है यहाँ तक, अभी अभी हम लोग इसी गेट के अंदर से ताजमहल के अंदर आए। और ये जो आप फाउंटेन देख रहे हो, पहले ज़माने में हम लोग सुनते थे उस टाइम ये जमुना का पानी हमारी छुट्टी रहती है और बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ताजमहल को संवारा गया है 4 साल पहले लॉकडाउन से, पहले इसके वो मुल्तानी मिट्टी लगी। ओके,
मुल्तानी विद केमिकल, इसके ऊपर ये पीला हो गया था पॉल्यूशन से, उसको वाइट करा गया मुल्तानी से। लॉकडाउन में तमिल बंद था तो उसके बाद और वाइट हो गया था। इस साल जो बरसात हुई था ना, बरसात इस बार अच्छा हुआ, उससे क्या कि नेचुरल ग्लो आ गया, जो धूल मिट्टी था ना चिपका हुआ। हाँ ये थोड़ा नेचुरल ग्लो है। सर एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताजमहल में दो टिकट होता है, एक गार्डन के लिए जो बाहर जहां से मैंने टिकट परचेस किए, और एक होता है ताजमहल के अंदर जाने के लिए जिसका टिकट आपको ये सामने काउंटर में मिल जाएंगे। यहां पर ताजमहल के बारे में ब्रिल लिपि में दिया हुआ है। यही है वो टिकट काउंटर जहां से आपको ताजमहल के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। नहीं नहीं वीडियो ऊपर नहीं करूंगा, वो मुझे मालूम है ऊपर में अलाउ नहीं है। स्टूडेंट और हाँ, यहाँ पे आपको शू कवर मिल जाएंगे जो आप यहाँ से परचेस कर पाओगे। चलो सो गाइस, अभी हम लोग जस्ट ताजमहल के अंदर जा रहे हैं। बाबू थोड़ा देख देख के चलना। ओह माय माय, ये है ताजमहल के ऊपर से सामने का व्यू। फ्रेंड्स अभी हम लोग अंदर में जाएंगे, इसलिए वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। ताजमहल के ऊपर से यमुना रिवर का व्यू, पहले ये और भी नज़दीक था लेकिन धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा सा दूर चला। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग ताजमहल पूरा घूम लिए हैं और अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं ताजमहल के ऊपर बैठ के। ताजमहल के ऊपर बैठे हो तुम? ये इसके ऊपर बैठ रही हूँ हम लोग। और कल हम दोनों का 12th ईयर एनिवर्सरी है, तो इसी मतलब आज के दिन इतना इमोशनल हो जा रही हूँ क्योंकि मेरा जो एक विश था वो तो मेरे हस्बैंड ने ये विश पूरा कर दिया, तो मैं क्या बोलूँ। थैंक यू एंड आई लव यू। चलो अपन को देख लेना मम्मी, बड़ी मम्मी टीसू ये पीछे आ रही है ना, टीसू पीछे ना दिख रही। बस इस बार के लिए ताजमहल घूमना हो गया, काफ़ी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया यहाँ पे और अभी हम लोग जस्ट निकल जाएंगे यहाँ से। पानी के ऊपर ताजमहल का रिफ्लेक्शन ब्यूटीफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को और कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जमा दी तो अच्छे।